उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। ये कहानी उम्मीद के ऊपर है। एक दिन की बात है, एक लड़की ने अपने पापा से कहा कि पापा चलो आज हम कहीं घूमने जाते हैं। पापा ने अपनी बेटी की बात मान ली और दोनों साथ में निकले। बेटी ने पापा से कहा कि पापा इस बार कार मैं चलाऊंगी। पापा ने कहा अच्छा ठीक है बेटा चला लेना। बाप बेटी दोनों निकल पड़े। बीच रास्ते में एक भयंकर तूफान आया। लड़की ने अपने पिता से पूछा पापा अब हम क्या करें। पिता ने अपनी बेटी को जवाब दिया बेटा तुम कार चलाते रहो। तूफान में कार चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और तूफान भयंकर होता जा रहा था। लड़की ने फिर अपने पापा से पूछा अब मैं क्या करूं। उसके पिता ने उसे फिर वही जवाब दिया बेटा कार चलाती रहो। बहुत सी गाड़ियां तूफान की वजह से रुके हुए थे। दूसरे के वाहन रुके हुए देखकर लड़की ने अपने पापा से फिर से पूछा मुझे भी अपनी कार रोक देनी चाहिए। उसने ये भी कहा कि पापा मैं बड़ी मुश्किल से देख पा रही हूँ। उसके पिता ने उसे फिर कहा बेटा कार रोकना नहीं बस धीरे धीरे चलते रहो। अब तो उस तूफान ने बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था किंतु लड़की अपने पापा की सुनी और कार चलाना नहीं रोकी। अचानक ही उसने देखा कि अब थोड़ा थोड़ा साफ दिखने लगा। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद लड़की ने देखा कि तूफान अब थम गया और सूर्य भी निकल आया। अब उस लड़की के पिता ने उसे कहा कि तुम अब चाहो तो बाहर आ सकती हो। लड़की ने पूछा पापा अब क्यों। पिता ने उसे कहा कि जब तुम बाहर आओगी तो देखोगी कि जो राह में रुक गए थे वो अभी भी तूफान में फंसे हुए हैं। तुमने कार चलाने को पर्यटन को नहीं छोड़ा इसलिए तुम इस तूफान से बाहर हो। बुरा समय सभी की ज़िंदगी में आता है। बुरे समय में मजबूत से मजबूत इंसान भी प्रयास छोड़ देते हैं। उस बुरे समय में हमें प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास करते रहने से ज़िंदगी में कठिन से कठिन समय गुजर जाएगा और अच्छा समय जल्द से जल्द आएगा। हमें निराश नहीं होकर डटे रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।